गैस बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि एचपी इलाइट बुक G3 का जो ड्राइवर्स है वो ड्राइवर्स हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एचपी इलाइट बुक G3840 ये जो इसका जो ड्राइवर्स है वो ड्राइवर्स हमें डाउनलोड करना है। तो जस्ट मैंने गूगल पे एक सिंपल सी क्वेरी रेज की कि मुझे इस एचपी इलाइट बुक G3840 ड्राइवर्स चाहिए, तो यहाँ पर उसका पूरा एचपी के साइट से आपको लेने support.hp.com के थ्रू ही इसको डाउनलोड करना है। दैट्स मैंडेटरी टर्म। और जैसे आप एचपी साइट्स पे जाके ये सारे ड्राइवर्स है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो, सो डेफिनेटली इसके थ्रू सारे जो पैच है 1 to 100 जितने भी ड्राइवर्स है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। विद मैन्युअली कर सकते हो या फिर सिस्टम जनरेटेड टूल्स होते हैं वेरियस, उस टूल्स के साथ भी इसको अपडेट वहां पे कर सकते हो। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करनी पड़ेगी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स पे जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि डेस्कटॉप लैपटॉप या किस चीज के लिए चाहिए। तो ये ऑप्शंस नीचे ओपन होके आ जाएंगे। उसके बाद उसका प्रोडक्ट और मॉडल भी डिफाइन होता है कि किस मॉडल के लिए। अभी मैं मान लीजिए डेस्कटॉप के लिए चाहिए, तो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में अगर मैं एचपी का सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके मैं एचपी का प्रोडक्ट चूज कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर यूज करके डायरेक्टली मुझे ऑप्शंस मिलता है ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन का। तो इतना आसान वे है एचपी के किसी भी प्रोडक्ट में ड्राइवर्स इंस्टॉल करना।